मैं अरविंद कुमार झा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल आगरा जंक्शन। मित्रों, हमारा जो काम है वो है सोने चांदी की ज्वेलरी की मशीनें बनाने का, और ये जो हमारी मशीन है ये ऑल ओवर द इंडिया और विदेश में भी जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि 80% इंडिया को, मैं भारत को, अपने देश को मैं घूम चुका हूँ। 80% 20% है वो आने वाले टाइम में घूम लूँगा। बाकी जो हमारा विदेश है वहाँ भी अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ है, लेकिन अगले महीने से वीजा लगवा के वहाँ भी स्टार्टिंग होने वाला है। तो बात करते हैं आज अपने देश की। अपने देश में घूमने के दौरान हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह नाश्ता चाहिए, तो नाश्ता जब करते हैं तो हर प्रांत का, हर स्टेट का, हर जिले का, हर जगह का अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग नाश्ता होता है। लेकिन जो टेस्ट, जो स्वाद और जो मज़ा मुझे आगरा में अपने शहर के नाश्ते में आता है वो कहीं नहीं आता है। इसकी दो वजह हैं। एक तो हम लोग क्या, थोड़ा तीखा मसाला, गरम मसाले का यूज़ ज़्यादा करते हैं, मुँह चटपटा चाहिए। और दूसरा रीज़न ये है कि हमारा जो खाना है, जो नाश्ता है, वो सबसे ज़्यादा सस्ता होता है। मात्र 20 रुपये में आप पेट भर लेते हैं आगरा में। बाहर में जाता हूँ कहीं कहीं 100 रुपये में भी नहीं हो पाता है कुछ। तो ऐसा ही, कभी भी आप आगरा आओ तो एक बहुत ही फेमस दुकान है श्रीराम पूड़ी वाले की, उसके बारे में आज वीडियो में बताने वाला हूँ। आप ज़रूर यहाँ पे देखिए क्या होता है, कैसे होता है, एकदम भंडारा टाइप का लगा रहता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको लेके चलते हैं और रास्ते का भी वीडियो दिखाएंगे। चलिए कंटिन्यू। तो भाई मित्रों, ये आ गए हम बिजली का चौराहे पर। ये देखिए, ये आपको पब्लिक दिख रही है यहाँ, एकदम भंडारा टाइप का चल रहा है। ये भंडारा नहीं है, ये है भाई श्रीराम पूड़ी वाले की दुकान। इस दुकान पे लिखा हुआ है श्रीराम पेठा भंडार, लेकिन ये फेमस है। और ये ऐसे यहाँ सफाई चलती रहती है भाई, पूरे दिन का काम है। यहाँ पर आपको बहुत सारी तरह की नमकीन्स मिलेंगी, यहाँ पर आपको बहुत सारी तरह की मिठाइयाँ मिलेंगी। और भाई इस दुकान पे ये गर्मा गर्म पूड़ी मिलती है, और ये मैं पूड़ी, कचौड़ी, समोसे, भाई ये दुकान फेमस ओनली पूड़ियों के लिए। यहाँ की जो पूड़ी है, ये देखिए पनीर वाला झोल, इसमें मखाने पड़े रहते हैं। और ये देखिए श्रीराम पेठा भंडार में, उस टाइम से खा रहा हूँ जब 9 रुपये की पूड़ी आती थी, और 9 रुपये में मिलती थी पूरी 16 पूड़ी, और मैं वो रू की खा जाता था बिना सब्जी के। इतनी टेस्टी, इतनी स्वादिष्ट होती थी। अगल बगल में भी 3-4 दुकानें हैं, लेकिन वहाँ इतने कोई नहीं खाता, उनकी खाते यहीं के। चलिए भाई साहब से बात। यार टेस्ट कैसा है इसका, कैसा टेस्ट है, हैं सब्जी अच्छी लगी या पूड़ी? जब भी आते हो यहाँ पे इनसे खाते हो? अच्छा, इनकी है ना, श्रीराम वालों की। तो जब भी आप आगरा आओ तो श्री बिजली का चौराहे पे श्रीराम पूड़ी वाले की पूड़ी जरूर खाना। धन्यवाद।